तो भाई ये मध्य प्रदेश के सीएम है ना मोहन बाबू, अपने तय फॉर्म में धीरे धीरे आने लगे हैं गुरु। अब फैसलो अंदाज से साफ साफ झलकने भी लगा है कि ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद साबित होने वाली है। अरे वही कि मोहन की बंसी जरूर है लेकिन धुन ऑफ दिल्ली से निकलेगी, लेकिन ना बाबू ना, बिल्कुल गलत। आते ही पहला आदेश खुले में मांस बिक्री तो कान फोड़ू भोंपुओं को लेकर ठोंक मारा। अब भैया प्रशासनिक फेरबदल भी किया है, देखिए ना देर रात ये फेरबदल किया गया और साफ साफ जता दिया कि भैया मेला है तो बिल्कुल फ्री हैं। देर रात आदेश जारी हुआ है जिसमें कि सीएम प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी साहब को विदा कर दिया गया, साथ ही 1997 बैच के अधिकारी राघवेंद्र सिंह को इस जगह लाया गया है। साहब राघवेंद्र सिंह जी बड़े सुलझे अधिकारी हैं गुरु, और डॉक्टर साहब के करीबी भी, तो साहब बहादुर जनसंपर्क महकमे की कमान भी संभाल चुके हैं। ऐसे में सरकार की अलहदा पहचान गढ़ने की बड़ी जिम्मेदारी भी सहसा कांधों पर सवार होकर साथ चलने वाली है। अन्य अफसरानों की तलाश भी जारी है साहब, जल्दी मोहन कुनवे में इनकी आमद की दर्ज होगी। तेवर भी दिखने लगे हैं, सख्ती के साथ सरकार को दौड़ाने का मन बना चुके मोहन बाबू जल्दी कुछ और बड़े फैसले लेने वाले हैं जो सरकार की मंशा और बेशक आशा दोनों को साफ कर देंगे। मतलब कुनवे और कामकाज में सिर्फ और सिर्फ मोहन बाबू की ही चलने वाली है, ये कुछ प्रतीत होता है। बाकी भैया देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ पता चलेगा।